बेसिकली अमोल आप ही थे जैसे किसी से पूछ रहा था साइड में कि शादी के बाद एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे साथ जो भाईजान थे वो उन्होंने अमोल को बहुत ही ड्रामेटिक वे में ओवर ड्रामेटिक वे में बताया, बोला ऐसा ऐसा फर्ज कीजिए कि आप एक जंगल में जा रहे हैं। अमोल बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बोला और आपको रियलाइज होता है कि आपकी बंदूक में गोली नहीं है। बोला ठीक है, बोला कैसा लगेगा आपको? बोला थोड़ा थोड़ा डर लगेगा। बोला फिर आप आगे चले और आपको एक घुर्राने की आवाज आई, फिर बोला कैसा एहसास हो रहा है? बोला जी पसीने पसीने आ रहे। बोला उसके बाद आप थोड़े और आगे चले और सडनली आपके सामने शेर आ गया। अब ना आपकी बंदूक में गोली है ना आप भाग सकते हैं और जंगल में शेर आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे? अमोल ने 10-15 मिनट सोचा, माता को याद किया, फिर बोले जी आप मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा। तो बोले बस भाई साहब इस बात को याद रखिएगा, शादी का एहसास बिल्कुल आपको इसी तरह से मिलेगा और आपकी मदद करेगा। अमोल ने सुना भी नहीं, अमोल लगा हुआ है अपनी सेवा करते भाई पहली कौन भी कर लो। मेरी आंखों के तारे मेरे प्यारे अमोल, आज उसकी जिंदगी का एक नया पहलू शुरू होने जा रहा है, नए दौर में वो कदम रख रहा है अपनी संगिनी के साथ। उसको मैं दिल से दुआएं देती हूँ, वो जिंदगी में खुश रहे, मुस्कुराता रहे। एक मैं माँ नहीं, सभी माओं का आशीर्वाद उसके साथ है। एक मैं माँ नहीं उसकी, उसकी हजारों में करोड़ों माएँ हैं। राधे माँ भी, राधे माँ भी। राधे माँ तो मुझे शकुंतला फेवरेट भी है। मालिक उनको खुशियाँ दे, सुखी रहे। किस तरह से आशीर्वाद दूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू तो हर दिल में ऐसा छाया होगा कि पूरा जहान तेरे को आशीर्वाद दे रहा होगा। I wish Amol and Varuna all the very best for their married life. और मैं अपनी फैमिली में अपनी छोटी सी बड़ी बहनानी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, फिर उनसे कितना सोचते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में कैसा लग रहा है, कोई नहीं ऐसे कभी। ओ अरुणा ने बोल, तुम बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, इतने रहो या पीला पाद रहो, मेरे सत्संगी बच्चों खूब कथावा करो, ते कथावा सुनो, इनको बहुत संत महापुरुष बनाना चाहती थी, अच्छे अच्छे भजन सुनाने, अच्छी अच्छी बातें सुनानी, एक एक आरती का लवर सुना के इनको समझाना, और बहुत प्यार करते थे। पर वो लीन किसी और चीज में थे, उनको धुएं से प्यार था। बचपन में सिगरेट मिलती नहीं थी, पिटाई वगैरह के चांसेस पूरे थे। तो अमोल जी को वो जो भजनों और भजन संध्या में जो धूम थी, अमोल के छाए हो गए। अमोल जब अमोल संतों के पास आगे जाके बैठा, अमोल ने बोला कि अभी फुल टाइम ऑक्यूपेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, तो अमोल दिन में भजन संध्या में लीन रहते हैं और रात को भूखे। बोलो बाबा जी की जय।
Ali Saab. You know, I was just stunned that they were going for a date, and I was feeling that that's a Amol knows how to go for a date, because he can only talk about Ajay and Maraji and hello. Instead of hello, they sing Jai Guru, and I'm like, मन कहे कि मैंने आओ जानवर सारे सारे
हाँ भाई, ये भजन वाले भाईजान का जो आइडिया था किसका था फिल्म में? भाई ऐसा अमोल को देखकर क्या ब्रूस ली तक का आइडिया आएगा? वो तो ठीक है भाई, हॉलीवुड ना बॉलीवुड तो करा दो, इतना टैलेंटेड खानदान है, आंटी ने इतना अच्छा डांस किया अभी। भजन की भाई जान बना देते, भजन वाले भाई बन भाई, जैसे लड़की पटी है इंस्पिरेशन तो वैसे आएगी ना। तो भाईजान ने भजनों के अलावा, हमें लगता था कि भाईजान यूजलेस काम कर रहे हैं, हम जैसे नास्तिक भजनों को और क्या समझेंगे। एड़ा बन के बेटा तुम सोचते रह गए। अब एक्चुअली टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं खानदान में, तो चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण, सब लोगों ने, अरे तो सलमान दबंग, वो हमारा दबंग भाई खसरा मुस्कुरा रहा है, देखो भाई तुमने एक भी डांस किया अपने साथ में? अरे हमें अनारकली बना के बुलाया बस ने कहा, अब एक तो बनता रहा एक तो हमने भाई, हम सब सोच रहे हैं भाई तेरी शादी के बाद कोई गाइस गाइस आप एक बात बताइए, एक एक गाना तो अमोल का बनता था या नहीं बनता था? अमोल आज इम्प्रॉम्प्टू हो जाए। अरे हम अनारकली है, नाच करें तेरे लिए और तुम जिले लाइए, हम हरे कृष्णा हरे राम चला देंगे, बाय गॉड आ जाओ मेरे, आओ छोड़ो रहने दो भाई, उसका काम हो गया, वो तुम्हारे पास मिलेगा, उसको जो मिलना है मिल गया, तुम छोड़ो। ठीक है बड़े बड़े बता जाते हैं भाई, अब एक काम करते हैं, ये पीटी कौन मारता ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं मारते रहिए, हमें इससे पता लगता है कि आप सुन रहे हैं, अब मारी हमारे हाथ में, हम नहीं जा रहे। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं कि अब जो हमारा ये टैलेंटेड खानदान है कुछ उनके जलवे दिखाते हैं बॉलीवुड गानों में, ठीक है जी? गाइस लेट्स वेलकम ऑल ऑफ देम टू सम क्लैप। जोर का झटका हजारों से लगा लगा, शांति बन गई उम्र कैद की सजा। खाना बना लेती हूँ? नहीं। तो क्या बना लेती हूँ? सेल्फ रिलेटेड एंड पाव बना लेती हूँ। चलो टोल वाला बैंड वाला लेके आ जाओ। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे।